लाइक दिस प्रूव्स कि मैं इसको अच्छे से यूज करती हूँ. कुल रनी इसका टेक्सचर है तो मैंने खत्म कर दिया. थोड़ी बहुत निकल जाओ. दिस सनस्क्रीन इज माई फेवरेट टेंटेड सनस्क्रीन. दो शादी से पहले, एक दो महीने पहले, मैं लिटरली यही वाली सनस्क्रीन यूज कर रही थी. Hi guys, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. This is literally the most requested video. Hamesha mere Instagram DMs, comments, YouTube comments ekdam flooded rehte hain sunscreen recommendation se. Koi kehta hai oily skin ke liye sunscreen batao, koi kehta hai kya ye mujhe sunscreen suit karegi, koi kehta hai dry skin ke liye. Someone says ki meri sensitive skin hai, kya mujhe sunscreen suit karegi, mujhe kaun si sunscreen leni chahiye. So mujhe laga zara ruko, mere paas jitni sunscreen possible hai main sari collect karti hu aur sab ke aapko in depth review deti hu. Today's video is going to be an insight encyclopedia on sunscreen, so make sure you watch this till the last. Just in case you are new here, hi, my name is Kashika. I make videos related to acne, skincare, beauty, fashion, lifestyle, vlogging sometimes. So make sure you hit the subscribe button and the like button as well, because I know aapko ye video bahut pasand aane wali hai. So without any further ado, let's get started. सो इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर मैं रैंडमली सनस्क्रीन दिखाने वाली हूँ. ऐसा नहीं है कि पहले दिखा रही हूँ तो ये अच्छी है, बाद में दिखा रही हूँ तो बुरी है, ऐसा नहीं है. हर सनस्क्रीन के कोई ना कोई प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, वो मैं आपको बता ही दूंगी. बट आई थिंक आई गो इन अ ऑर्डर ऑफ SPF. तो सबसे लीस्ट SPF जो मेरे पास है वो है SPF 30. दिस इज डर्मैट रिकमेंडेड एज वेल. काफी सारे स्किन डॉक्टर्स भी यही रिकमेंड करते हैं. दिस इज एपिसॉफ्ट AC मॉइस्चराइजर विद माइक्रो इनकैप्सुलेटेड सनस्क्रीन. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ये आपको नायका पर इजिली मिल जाएगी. आप फार्मेसी से भी ले सकते हो, लेकिन ये नायका पे आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट पे मिल ही जाती है. मैंने भी नायका से ही ऑर्डर करी थी. इट हैज ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन ऑफ UVA, UVB, SPF 30 है इसमें. सो घर के लिए अगर आप कोई सनस्क्रीन देख रहे हो ना, आई थिंक दिस इज परफेक्ट, बिकॉज ये सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर दोनों का काम कर रही है. लिखा भी हुआ है मॉइस्चराइजर विद माइक्रो इनकैप्सुलेटेड सनस्क्रीन, मतलब ये मॉइस्चराइजर भी है, सनस्क्रीन भी है. SPF 30 घर के लिए एकदम परफेक्ट है. एंड जस्ट इन केस आप घर पे सनस्क्रीन नहीं लगाते, प्लीज सनस्क्रीन लगा लिया करो, बिकॉज हमारी विंडोज से कहीं ना कहीं अगर आपके घर में धूप आती है, आप थोड़ी बहुत देर भी धूप में बैठते हो, आई थिंक सनस्क्रीन सबको लगानी चाहिए. वो थोड़े से टाइम का भी जो सन रेज आपके फेस पे पड़ती है ना, अगर आपकी स्किन सन प्रोटेक्टेड नहीं होगी, देयर इज अ चांस कि टैनिंग हो सकती है, एक्ने स्कारिंग और गहरी हो सकती है. एंड सन का भी ना एक टाइम होता है. अगर आपके पास आईफोन है तो आपको वेदर रिपोर्ट में पता चल जाएगा कि अभी जो है आपको सनस्क्रीन लगा लेनी चाहिए, अभी जो सन का वो रेज है बेसिकली स्ट्रांग है. अदरवाइज जो मेन टाइम होता है ना, इट इज 10 to 4. सो सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक के बीच में आई थिंक सनस्क्रीन लगानी बहुत जरूरी है. अर्ली मॉर्निंग सनरेज आप इजिली विदाउट सनस्क्रीन ले सकते हो, और जो 4 बजे के बाद वाली है वो भी इतनी ज्यादा इफेक्ट नहीं करती, लेकिन 10 से 4 का जो टाइम है ना, आई थिंक सबको सनस्क्रीन लगानी चाहिए. मैं खुद भी जब धूप में कपड़े सुखाने जाती हूँ, मैं सनस्क्रीन लगा के जाती हूँ, एंड दिस इज एक्चुअली वेरी गुड. ये डर्मैट्स भी रिकमेंड करते हैं. इसका टेक्स्चर काफी पतला है, लाइक यू कैन सी कितना थिन और लाइट इसका टेक्स्चर है, बिल्कुल रनी इसका टेक्स्चर है, तो बहुत जल्दी आपकी स्किन में ब्लेंड हो जाएगी, बिल्कुल टाइम नहीं लगाती. इट लिटरली फील्स लाइक वाटर इन टू योर स्किन, और इससे बहुत अच्छे स्किन नरिश हो जाती है. अगर स्किन टाइप की बात की जाए, ये ज्यादा ऑयली स्किन के लिए मैं रेकमेंड नहीं करूंगी, बिकॉज ये ओवर नरिशिंग हो जाएगी. अभी जो वेदर आ रहा है ना एकदम एक्सट्रीम गर्मियों का, तो ऑयली स्किन तो वैसे ही बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है, तो आई थिंक उनको मैट सनस्क्रीन लगानी चाहिए, वो मैं आगे रेकमेंड करने वाली हूँ. लेकिन अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, आपकी ड्राई स्किन है, या फिर आपने कोई एक्ने के प्रोडक्ट्स यूज कर लिया, आपकी स्किन क्रैक हो रही है, ड्राई पड़ रही है, पैचेस पड़ रहे हैं, तो उस केस में आप ये यूज कर सकते हो. सो ये केमिकल फिल्टर वाली सनस्क्रीन है. इट हैज इथाइल मेथॉक्सीसिनामाइड, विच इज OMC बेसिकली. ये ज्यादा सेफ नहीं माना जाता फॉर दोज जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, फिर जो फीडिंग पे हैं, उनको मिनरल सनस्क्रीन यूज करनी चाहिए, बिकॉज OMC फिल्टर उनके लिए ठीक नहीं है. बट अदरवाइज यू कैन यूज इट. अगर आपको थायराइड या फिर PCOD के इशू है, देन अगेन मिनरल फिल्टर, मिनरल सनस्क्रीन यूज करो, बिकॉज ये वाले फिल्टर थोड़े से आपके लिए रिस्की हो सकते हैं. बट अदरवाइज फॉर रेस्ट ऑफ द पीपल दिस इज डेफिनेटली सेफ. डर्मैट भी रिकमेंड करते हैं, ये वाली तो डेफिनेटली अच्छी होगी. सो जस्ट इन केस आपको केमिकल फिल्टर से इशू है, या फिर आप प्रेग्नेंट हो, फीडिंग पे हो, या फिर आपको PCOD थायराइड का इशू है, आपको बिल्कुल भी केमिकल फिल्टर नहीं यूज करने, तो आप एक मिनरल फिल्टर वाली सनस्क्रीन यूज कर सकते हो. इसके अंदर अगेन SPF 30 है. दिस वन इज बाय क्योर्स. ये SPF 30 मैटिफाइंग मिनरल सनस्क्रीन. दिस इज अ मैट मिनरल सनस्क्रीन. तो ये एपिसोड वाली ड्राई स्किन के लिए अच्छी है, और ये वाली ऑयली स्किन के लिए अच्छी है. क्योर्स इज अ वेरी अंडररेटेड ब्रांड. आई डोंट नो, काफी लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे, मेरे चैनल के थ्रू ही जानते होंगे, बिकॉज मैं बहुत यूज करती हूँ, ऑब्वियसली प्रमोट भी करती हूँ. आई हैव अ कूपन कोड विद देम एज वेल, बट दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड. ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मेरे खुद की अपने रिकमेंडेशन है. कोड यूज करना है तो आप यूज कर सकते हो. सो ये क्योर्स की मैटिफाइंग मिनरल सनस्क्रीन है, मतलब इसमें कोई भी केमिकल फिल्टर नहीं है, इसमें ऑक्सीबेंजोन नहीं है, OMC नहीं है, ये ब्लू लाइट प्रोटेक्शन भी देता है. सो लेट मी जस्ट शो यू द टेक्सचर. मैटिफाइंग है तो काफी अच्छे से आपकी स्किन को मैट रखती है, इससे बिल्कुल भी आपकी स्किन ग्रीसी नहीं होती.
होती है, एंड दिस इज हाउ द टेक्सचर लुक्स लाइक। इट्स लाइक मीडियम कंसिस्टेंसी, ना ज्यादा रनी है ना ज्यादा पतला है, कुछ इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी है। एंड या दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, काफी अच्छे स्किन में ब्लेंड हो जाता है। इससे हल्की सी एक व्हाइट कास्ट आती है, बट ओवर द टाइम अगर आप इसको अच्छे से ब्लेंड करोगे ना तो वो चली जाएगी। दिस इज फ्री फ्रॉम पैराबेन, इसमें कोई थैलेट नहीं है, इसके अंदर कोई आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं है, दिस इज नॉन कॉम्बिडोजेनिक, दिस इज कोरल रीव सेफ। एसपीएफ 30 है, घर के लिए एकदम परफेक्ट है। सो अगर आपकी ऑयली स्किन है, या फिर आप फीडिंग पे हो, प्रेग्नेंट हो, या फिर आप बिल्कुल भी केमिकल फिल्टर नहीं यूज करने वाले, देन दिस सनस्क्रीन इज फॉर यू। नेक्स्ट सनस्क्रीन इज ऑल्सो डर्मैट रिकमेंडेड, दिस हैज एसपीएफ 40 विद PA++। ये ऑयल फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। दिस वन इज बाय लाशील्ड का आपने नाम डेफिनेटली सुना होगा, एंड दिस इज लाइक हैवी सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन। अगर आप डेली ऑफिस जाते हो या फिर आप कहीं बाहर जाते हो, आपको स्कारिंग का बहुत इशू है, आपको यहाँ पे पोर्स बहुत ज्यादा है, देन आई वुड रिकमेंड कि आप सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन यूज करो, बिकॉज ये बहुत ब्यूटीफुली आपके पोर्स को फिल इन कर देती है। मैं इसका टेक्स्चर भी दिखाती हूँ, ये काफी थिक है, इट लिटरली फील्स लाइक प्राइमर के अंदर सनस्क्रीन मिक्स कर दी है, बिकॉज ये आपके पोर्स को बहुत अच्छे से फिल इन करती है। सो दिस इज हाउ द सनस्क्रीन लुक्स लाइक, एंड वंस इट्स सेटल्ड इन टू योर स्किन, एकदम आपकी स्किन एकदम स्मूथ हो जाती है। सो इसके ऊपर आप अगर हल्की फुल्की बीबी क्रीम भी लगाओगे ना तो भी चलेगा, बिकॉज ये काफी अच्छे से एक प्राइमर का काम करती है। ऑल्सो देयर इज नो व्हाइट कास्ट, यू कैन सी ब्लेंड होने के बाद कोई व्हाइट कास्ट नहीं है, काफी स्मूथ फील हो रहा है मेरा हाथ, ऐसा लग रहा है जितनी फाइन लाइन्स थी वो सब एकदम फिल इन हो गई है। सो अगर आपको पोर्स की प्रॉब्लम है, आपको स्कारिंग बहुत ज्यादा है, आप एवरीडे के लिए कोई ऐसी सनस्क्रीन देख रहे हो जो ये पोर्स को फिल इन कर दे, फिर उसके ऊपर आप डायरेक्टली एक बीबी क्रीम लगा लोगे या फिर कॉम्पैक्ट लगा लोगे तो चलेगा, आपको अलग से प्राइमर लगाने की जरूरत नहीं है, तो उस केस में सनस्क्रीन बहुत अच्छी है। दिस इज सूटेबल फॉर ऑयली स्किन, बिकॉज जो ऑयली स्किन होती है ना, उनके जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं वहां से बहुत ज्यादा ऑयल निकलता है, सो ये उन ऑयल ग्लैंड्स को फिल इन कर देता है, एक तरह से सिलिकॉन वहां जाके बैठ जाता है और वहां से एक्सट्रीम फिर आपकी ऑयल प्रोडक्शन नहीं होती। तो प्राइमर लाइक फील अच्छी तो लगती है, लेकिन इसका ये भी एक कॉन है कि रात को इसको अच्छे से उतारना, अदरवाइज आपको पोर क्लॉगिंग हो सकती है, एक्ने हो सकते हैं, छोटे छोटे ऐसे दाने हो सकते हैं, कॉमेडोन्स बन सकते हैं, क्योंकि जो सिलिकॉन होता है वो बिल्कुल आपकी स्किन के पोर्स में जाके बैठ जाता है। अगर रात को आप डबल क्लेंजिंग नहीं करोगे, माइसेलर वाटर से, फेस वॉश से अच्छे से हटाओगे नहीं, तो फिर वो आपके पोर्स को क्लॉग करेगा। तो अगर आपको ऐसी सनस्क्रीन लगानी है, देन डोंट बी लेजी, रात को अच्छे से अपना स्किन केयर रूटीन करना, या तो ऑयल क्लेंजिंग करना माइसेलर वाटर से, अच्छे से फेस वॉश से, कोई टोनर की हेल्प से अच्छे से इसको रिमूव करना, अदरवाइज या फिर आपको पोर क्लॉगिंग दे सकती है। सो या जिस दिन मुझे कहीं बाहर जाना होता है, मुझे हल्का फुल्का मेकअप करना है, मैं ये सनस्क्रीन को एज अ बेस यूज कर लेती हूँ, बिकॉज ये प्राइमर का भी काम करती है। सो दिस इज डेफिनेटली रियली नाइस फॉर ऑयली स्किन एंड कॉम्बिनेशन स्किन। नाउ ऑनवर्ड जितनी भी सनस्क्रीन है वो सारी एसपीएफ 50 है या फिर हायर देन एसपीएफ 50 भी मेरे पास है, वो मैं बाद में दिखाने वाली हूँ। अभी एसपीएफ 50 वाली सनस्क्रीन की बात करते हैं, बिकॉज मैक्सिमम सनस्क्रीन जो आजकल मार्केट में सेल हो रही है ना, वो सारी एसपीएफ 50 वाली सेल हो रही है। सो एसपीएफ 50 में जो मेरी फर्स्ट फेवरेट है वो है ये, दिस वन इज बाय विश्के, दिस इज इनविजिबल जेल सनस्क्रीन, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, वेरी ट्रैवल फ्रेंडली ट्यूब, और आप देख सकते हो मैंने काफी निचोड़ भी दिया, आई थिंक मैंने 2 या 3 ट्यूब्स इसकी फिनिश कर दी थी विंटर्स में, बिकॉज इसका काफी अच्छा एक नरिशिंग इफेक्ट है, इसके अंदर सेरामाइड है, या इट हैज हाइलुरोनिक एसिड, नायसिनामाइड एंड सेरामाइड, तो काफी अच्छे से नरिशमेंट देती है। अब थोड़ी थोड़ी गर्मी आ गई ना, तो मैं मैटिफाइंग सनस्क्रीन की तरफ चली जाऊंगी, अदरवाइज मुझे ये वाली सनस्क्रीन विंटर्स में बहुत पसंद है। सो अगर आपकी ड्राई स्किन है, या फिर कॉम्बिनेशन स्किन है, या फिर ऑयली स्किन है, लेकिन ज्यादा मैट आपको सनस्क्रीन यूज नहीं करनी, आपको हल्की फुल्की नरिशमेंट भी चाहिए, तो आप ये यूज कर सकते हो। इट इज अ केमिकल फिल्टर सनस्क्रीन, लेकिन इसके अंदर वो वाले केमिकल फिल्टर नहीं है लाइक OMC ऑक्सीबेंजोन, तो आप ये सेफली यूज कर सकते हो अगर आपको PCOD थायराइड के इशू है। इट हैज नो सिलिकॉन एज वेल, तो ये ज्यादा पोर क्लॉगिंग नहीं देती, इसका वो सिलिकॉन वाला इफेक्ट नहीं है। टेक्सचर की अगर बात की जाए, इसका टेक्सचर इज लाइक मीडियम, ना ज्यादा रनी है ना ज्यादा पतला है, कुछ इस तरह से इसका टेक्सचर है। एंड वंस यू ब्लेंडेड, काफी अच्छे स्किन में ब्लेंड हो जाती है, लगती है थिक है लेकिन ये बिल्कुल भी थिक नहीं है। वंस यू ब्लेंडेड एकदम पतली मिल्की मिल्की क्रीमी कंसिस्टेंसी है इसकी। आई थिंक दिस इज ऑल्सो गुड फॉर डिहाइड्रेटेड स्किन, काफी बार ऐसा होता है कि आप पानी नहीं पीते या फिर आप कोई एक्ने प्रोडक्ट ऐसा यूज कर लेते हो, स्किन एकदम सूख जाती है, डिहाइड्रेटेड सी हो जाती है, तो उस केस में बहुत अच्छी है बिकॉज इसमें हाइलुरोनिक एसिड भी है। सो अगर आप एवरीडे यूसेज के लिए बाहर कहीं जा रहे हो, एसपीएफ 50 देख रहे हो, तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट थ्री सनस्क्रीन आर फ्रॉम डर्माको, सो इनको एक साथ ही कंपेयर कर लेते हैं कि इसमें से अच्छी कौन सी है। तो सबसे पहले ये वाली सनस्क्रीन की बात करते हैं। सो ये तो ओल्ड वाली है जो मैं काफी बार प्रमोट कर चुकी हूँ, स्पॉन्सर्ड नॉट स्पॉन्सर्ड वे में भी। यह एसपीएफ 50 विद PA++, ये इनकी 1% हाइलुरोनिक एक्वा जेल सनस्क्रीन। ये सबसे ओल्डेस्ट सनस्क्रीन है डर्माको की, जो बहुत टाइम से चल रही है और अभी भी हॉट सेलर है इनकी। इट हैज हाइलुरोनिक एसिड, वाइटामिन ई, फ्रेग्रेंस फ्री है ये, क्विक एब्जॉर्बिंग फॉर्मुला है, दिस इज सल्फेट एंड पैराबेन फ्री, लेकिन इसके अंदर केमिकल फिल्टर है। इट हैज ऑक्सीबेंजोन, OMC, ये वाले फिल्टर्स इसके अंदर हैं। एंड लेट मी जस्ट शो यू द कंसिस्टेंसी अगेन, ये हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड सनस्क्रीन है ना, दिस इज वेरी वेरी नरिशिंग,
खत्म ही हो गई है, बट दिस इज वेरी वेरी नरिशिंग. अगेन अगर आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड है, ड्राई है, या फिर ओवरऑल बहुत डल डल लगती है ना, या फिर आप मेकअप करने से पहले कोई अच्छी सनस्क्रीन ढूंढ रहे हो. काफी बार होता है स्किन ऑयली होती है, लेकिन मैट सनस्क्रीन लगाने के बाद जब मेकअप करो ना तो ऐसे क्रैक होता है बिकॉज आपने बेस पे इतनी ज्यादा मैट सनस्क्रीन लगा ली. तो उस केस में मुझे सनस्क्रीन बहुत अच्छी लगती है. मैं जिस दिन भी हैवी मेकअप करती हूँ, लाइक डे कहीं इवेंट पे जाना है, कोई डे वाली शादी में जाना है, या फिर कहीं डे टाइम में जाना है और उसके बाद फिर मेकअप भी अच्छा खासा हैवी करना है, तो उस केस में मुझे सनस्क्रीन अच्छी लगती है बिकॉज ये बेस पे बहुत अच्छी नरिशमेंट देती है. जो इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड है ना और वाइटामिन ई जो है, वो एक्चुअली बहुत अच्छी नरिशमेंट देता है. तो मेकअप एक अच्छा ग्लोई और डूई लगता है. दिस इज मोर लाइक अ डूई सनस्क्रीन. तो अगर आप भी डूई इफेक्ट चाहते हो, आप चाहते हो ग्लो आए आपकी स्किन पे, तो आप ये सनस्क्रीन यूज कर सकते हो. लेकिन अगर आपकी एक्सट्रीमली ऑयली स्किन है, आप सोच रहे हो इसको लगा के ऐसे ही चले जाओगे, तो आपको थोड़ी बहुत ग्रीसीनेस फील होने वाली है, या फिर लूज पाउडर से सेट कर लेना, तो मैं पहले ही बता रही हूँ. सो दिस इज द ओल्डर फॉर्मुला. अभी रिसेंटली डर्माकोन एक न्यू लॉन्च करी है, मैंने अभी रिसेंटली स्पॉन्सर्ड वे में भी इसको प्रमोट किया था. सो ये इनकी न्यू वाली SPF 50 है. ये भी PA 4 टाइम्स प्लस है. 1% हाइलुरोनिक सनस्क्रीन ही है, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग सनस्क्रीन है. कैन यू रीड हियर, लॉन्ग लास्टिंग. तो उन्होंने यही ओल्डर फॉर्मुलेशन का एक लॉन्ग लास्टिंग वर्जन निकाला है, जो दिखता है कुछ इस तरह से. ये 6 आवर्स की आपको सन प्रोटेक्शन देती है. लॉन्ग लास्टिंग सनस्क्रीन है. अगेन वाटर रेजिस्टेंट है, स्वेट रेजिस्टेंट है. तो अगर आप स्विमिंग करते हो, जिम करते हो, तो उसके इसमें यूज कर सकते हैं. दिस इज वेरी वेरी रनी, लाइक लुक एट दिस. ये पहले वाली सनस्क्रीन से काफी पतली, आप देख सकते हो कितनी जल्दी ऐसे ये ड्रिप ऑफ हो रही है. सो ये बहुत रनी और पतला इसका टेक्सचर है. सो अगर आपको भी पतली सनस्क्रीन पसंद है, लाइक समथिंग लाइक थिन कंसिस्टेंसी की हो, ज्यादा लाइक हैवी हैवी फील ना हो, तो आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो. दोनों का जो आफ्टर इफेक्ट है वो ऑलमोस्ट सेम है. दोनों ही बिल्कुल डूई लगते हैं स्किन पे, वो शाइनी और ग्लॉसी वाली आपकी स्किन देती हैं. सो चॉइस इज योर्स. अगर आप बहुत लंबे समय के लिए धूप में रहते हो, आपका काम ऐसा कि आपको धूप में ज्यादा ट्रैवल करना होता है, या फिर आप कहीं घूमने जा रहे हो, बीच ट्रिप पे जा रहे हो, ट्रैवलिंग के लिए कहीं जा रहे हो, तो आप ये लॉन्ग लास्टिंग सनस्क्रीन ले सकते हो. अदरवाइज फॉर डेली यूज दिस वन इज ऑल्सो फाइन. द थर्ड सनस्क्रीन फ्रॉम डर्माको इज अ टिंटेड सनस्क्रीन. अब तक मैंने जो भी सनस्क्रीन दिखाई है, कोई भी टिंटेड नहीं है. सो ये पहली टिंटेड सनस्क्रीन है जो मैं रिकमेंड कर रही हूँ. सो ये सेम 1% हाइलुरोनिक एसिड का ही रेंज है, लेकिन ये टिंटेड वर्जन में आती है. एंड दिस वन इज अ मिनरल सनस्क्रीन. ये वाले केमिकल फिल्टर्स वाली है. इसके अंदर मिनरल फिल्टर है, इसमें जिंक ऑक्साइड है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, हाइलुरोनिक एसिड है. एंड दिस इज SPF 60 विद PA 4 टाइम्स प्लस. ये वाली जो है वो SPF 50 है. सो ये मैं आपको स्वॉच करके दिखा देती हूँ. दिस इज मोर लाइक अ फाउंडेशन मूस. मैं बोलूंगी जैसे पहले मूस आते थे ना, एक मेबलिन का पहले मूस आता था, वो बिल्कुल ऐसा ही लगता था. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. मोस्ट इंडियन स्किन टोन को ये सूट हो ही जाएगा बिकॉज इसके एक वार्म अंडरटोन है. सो यू कैन यूज इट ऑन डेली बेसिस. अगर आपको हल्का फुल्का एक, जैसे आपकी स्किन पर रेडनेस है, एक्ने मार्क्स है, आपको एक बहुत हल्की कवरेज चाहिए, तो आप ये यूज कर सकते हो. अगेन वेरी हैवी ऑन सिलिकॉन. इसमें भी बहुत हैवी सिलिकॉन है. एंड द थिंग इज, अगर इसको आप जल्दी में ब्लेंड करोगे ना, तो ये ब्लेंड नहीं होगी. आई डोंट नो इसमें ऐसा क्या है कि वैसे पील्स निकलने लग जाते हैं. लाइक अभी भी मेरा कैमरा पता नहीं फोकस कर रहा है, नहीं कर रहा. मैं जरा जूम इन करके दिखाती हूँ. सो कैन यू सी, इसमें से अब देखोगे ब्लेंड होने के बाद भी ऐसे लाइंस पड़ रही हैं. तो ये थोड़ी सी ना सेट करनी मुश्किल है. इसको बहुत अच्छे से ऐसे एक लेयर बनानी पड़ती है. अदरवाइज अगर आप जल्दी में सनस्क्रीन लगाने वाले हो, तो मैं ये वाली टिंटेड सनस्क्रीन ही रिकमेंड करूंगी. सो आई डोंट नो मेरे साथ ही ऐसा है या फिर आपके साथ भी ऐसा है. प्लीज अगर आपके साथ भी ऐसा है, हो रहा है सनस्क्रीन के साथ, तो प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना. ऑल्सो सब कॉमेंट सेक्शन में अपनी बेस्ट और वर्स्ट सनस्क्रीन बताएंगे. ये मैं एक्टिविटी आप सबको दे रही हूँ, बिल्कुल टीचर की तरह मैं बोल रही हूँ. बट आई वॉन्ट टू मेक कॉमेंट सेक्शन इन्फॉर्मेशन एज वेल. तो सब प्लीज कॉमेंट सेक्शन में बताना अपनी बेस्ट और अब तक की वर्स्ट सनस्क्रीन, ताकि जो भी पढ़े उसको थोड़ी नॉलेज गेन हो. सो या दिस वन इज नॉट अ वेरी लाइक गुड सनस्क्रीन फॉर मी. मैं इतनी ज्यादा बड़ी फैन नहीं हूं, लेकिन कभी कभी होता है ना कि यार टाइम नहीं है बिल्कुल भी, एक टिंट वाली सनस्क्रीन लगानी, एक मैटिफाइंग वाला इफेक्ट चाहिए, तो मैं लगा लेती हूँ. बट अदरवाइज नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ दिस. सो हमने डर्माको की बात करी, तो डर्माको की एक और बहन है विच इज एक्वालॉजिका. जस्ट इन केस यू डोंट नो, डर्माको, एक्वालॉजिका, डॉक्टर शेट्स, ये सब दे आर लाइक रन बाय होनासा ओनली. तो सबके सॉर्ट ऑफ फॉर्मुलेशन थोड़े बहुत सेम है, लेकिन जो क्लेम्स होते हैं, जो थोड़ी सी वर्किंग होती है, डिफरेंट होती है. सो ये है एक्वालॉजिका की सनस्क्रीन. एक्वालॉजिका ने भी काफी सनस्क्रीन लॉन्च करी है, लाइक द वाटरमेलन वाली. देयर इज वन, एक और इन्होंने एक रेंज निकाली थी, बट दिस वन इज द फर्स्ट रेंज उन्होंने निकाली थी, और अब तक यही सबसे अच्छी इनकी चल रही है. सो ये है एक्वालॉजिका की ग्लो प्लस डूई सनस्क्रीन. ये पपाया और वाइटामिन सी इनरिच्ड है, कुछ इस तरह से दिखती है. वेरी वेरी ट्रैवल फ्रेंडली. एंड दिस इज SPF 50 विद PA ट्रिपल प्लस. एंड ये पूरी खत्म हो चुकी है, नहीं थोड़ी बहुत बची है. सो दिस इज हाउ द टेक्सचर लुक्स लाइक.
थोड़ा मीडियम कंसिस्टेंसी का टेक्सचर है, काफी अच्छे स्किन में ब्लेंड हो जाती है। एंड जैसा कि इसका नाम है डूई, ये एक्चुअल में डूई इफेक्ट देती है, व्हाइट कास्ट नहीं है, नो व्हाइट कास्ट एट ऑल, एकदम नरिशमेंट का काम करती है। इसको लगाती है ऐसा लगता है मैंने कोई अच्छी नरिशिंग सनस्क्रीन क्रीम लगाई है, सनस्क्रीन नहीं कोई क्रीम लगाई है। सो अगर आप भी डूई इफेक्ट पसंद करते हो, आपको ग्लॉसी स्किन पसंद है, या फिर आपकी ड्राई स्किन है, डिहाइड्रेटेड है स्किन, या फिर आप मेकअप करना चाहते हो, आपको मेकअप एकदम ग्लोई चाहिए तो बेस पे कुछ ड्यूई लगाना है, तो आप ये डेफिनेटली ले सकते हो। इट हैज केमिकल फिल्टर्स, दिस इज परफेक्ट फॉर ड्राई एंड डिहाइड्रेटेड स्किन, बिकॉज को लगाते एकदम शाइनी हो जाती है आपकी स्किन। सो अगेन आपको ड्यूईनेस वाली एकदम स्किन पसंद है तो आप ये डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। अगेन वन ऑफ माई फेवरेट, मैंने विंटर्स में ये काफी यूज करी है। नेक्स्ट अप वी हैव डॉक्टर शेड्स। डॉक्टर शेड्स के साथ मैं काफी एक्टिवली काम करती हूँ बिकॉज दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड। जो भी पर्टिकुलर ब्रांड मुझे अच्छे सूट करती है, मुझे कोई रिएक्शन नहीं होता, लाइक इनका हर प्रोडक्ट मुझे अच्छे सूट करता है, तो मैं एक्टिवली इनके साथ वर्क करती हूँ। मुझे जब भी पेड कोलैबोरेशन आती है, अगर मुझे प्रोडक्ट पसंद होता है इनका, तो मैं डेफिनेटली प्रमोट करती हूँ। मैंने इनकी पूरी सनस्क्रीन रेंज प्रमोट करी हुई है अपनी शॉर्ट्स पे, मैंने इनकी जितनी भी सनस्क्रीन है ना अभी अवेलेबल, उनके शॉर्ट रिव्यू कर रहे थे अपने यूट्यूब शॉर्ट्स पर, मैं यहाँ के लिंक कर दूंगी। बट दीज टू आर माई फेवरेट फ्रॉम द एंटायर रेंज। सबसे पहले है मिनरल वाली, सो अगेन अगर आप डेली बेसिस के लिए एक अच्छी मिनरल सनस्क्रीन देख रहे हो, आप ये वाली यूज कर सकते हो। दिस इज द डॉक्टर शेड्स मिनरल सनस्क्रीन विद एसपीएफ 50 प्लस विद पीए डबल ट्रिपल प्लस, कोई व्हाइट कास्ट नहीं है, अल्ट्रा लाइट वेट है, एंड इट हैज 25% जिंक ऑक्साइड, 2% इसमें ग्लिसरीन भी है, तो वो ग्लिसरीन की आपको अच्छी नरिशमेंट मिलती है। मिनरल फिल्टर्स है, लेट मी जस्ट शो यू द टेक्सचर, आप देख सकते हो कितना बुरा हाल मैंने कर दिया। लाइक दिस प्रूव्स कि मैं इसको अच्छे से यूज करती हूँ, और मैं काफी इसको यूज करती हूँ डेली बेसिस पे, बिकॉज एज आई टोल्ड यू डेली बेसिस पे मुझे मिनरल सनस्क्रीन यूज करना पसंद है, मुझे सेफ लगती है। सो या दिस इज आवर लुक्स लाइक, हल्का हल्का रनी टेक्सचर है, अगेन वेरी वेरी नरिशिंग, बिल्कुल क्रीम जैसी फील होती है, काफी जल्दी स्किन में चली जाती है। सी मिनरल सनस्क्रीन है, थोड़ी बहुत तो व्हाइट कास्ट देगी, दो इट क्लेम्स की नो व्हाइट कास्ट, लेकिन हल्की सी एक व्हाइट कास्ट आती है जो ओवर द टाइम चली जाती है। लाइक अभी आपको हल्का हल्का लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा बहुत आप इसको ब्लेंड करोगे अच्छे से, थोड़ी देर के लिए रुक जाओगे ना, तो ये स्किन में बहुत अच्छे सेटल हो जाती है। सो इनिशियली जब इसको लगाते हैं ना, तो ऐसा लगता है बड़ी हैवी है, ऑयली स्किन के लिए तो ग्रीसी रहेगी, बट ओवर द टाइम ये बहुत अच्छे से सिंक इन हो जाती है स्किन में। लाइक अब थोड़ी देर बाद ये बहुत अच्छी लग रही है, बिल्कुल भी चिपचिप या ग्रीसी फील नहीं हो रही, तो ये ऑयली स्किन के लिए भी अच्छी है, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए भी अच्छी है, एंड ड्राई स्किन के लिए भी एकदम परफेक्ट है। दिस इज समथिंग फॉर ऑल स्किन टाइप। तो अगर आप मिनरल सनस्क्रीन लगाना प्रेफर करते हो, या फिर अगेन प्रेग्नेंट हो, फीडिंग पे हो, पीसीओडी थायराइड इशू है, आप सेफ मिनरल सनस्क्रीन यूज करना चाहते हो, देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट, इट इज वेरी वेरी सेफ। माई नेक्स्ट फेवरेट सनस्क्रीन फ्रॉम डॉक्टर शेड्स इज दिस सेरामाइड एंड वाइटामिन सी सनस्क्रीन। दिस इज माई विंटर फेवरेट सनस्क्रीन। मैंने सर्दियों में इसकी दो ट्यूब्स फिनिश कर दी थी, बिकॉज सेरामाइड जो है ना वो बहुत अच्छी नरिशमेंट देता है सर्दियों में, जब स्किन ऐसे बिल्कुल सूखी सूखी हो जाती है। अगर आपकी अभी ड्राई स्किन है, डिहाइड्रेटेड स्किन है, तो आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो। इट हैज अगेन एसपीएफ 50 विद पीए ट्रिपल प्लस प्रोटेक्शन, 1% इसमें सेरामाइड है, 2% इसमें वाइटामिन सी है, हाइलुरोनिक एसिड है, इसमें मिनरल एंड ऑर्गेनिक दोनों फिल्टर्स है, लाइक केमिकल फिल्टर भी है, मिनरल फिल्टर भी है, बट इट हैज ओएमसी, सो मैं क्लियर कर रही हूँ इसमें ओएमसी डला हुआ है, बट ओवरऑल दिस इज वेरी गुड, बहुत अच्छे से नरिशमेंट देती है। अगर आप केमिकल फिल्टर यूज कर सकते हो तो आप डेफिनेटली यूज कर लेना। एंड मैंने खत्म कर दिया, थोड़ी बहुत निकल जाओ ओके नाफ है दिखाने के लिए। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, हल्की सी थिक है, मिनरल सनस्क्रीन के कंपैरिजन में थोड़ी सी थिक है, बट बहुत अच्छी नरिशमेंट देती है। बेस्ट पार्ट अबाउट दिस सनस्क्रीन इज ये सेरामाइड इनरिच्ड है, लेकिन ये बिल्कुल भी ओवर ग्रीस या चिपचिप नहीं लगती। आई डोंट नो व्हाट इज द फॉर्मुलेशन, सेरामाइड भी है, हाइलुरोनिक एसिड है, लेकिन ये बिल्कुल भी एक्सट्रीमली हैवी और ग्रीसी नहीं लगती, बहुत अच्छे सिंक इन जाती है स्किन में, एक अच्छी नरिशमेंट भी देती है, लेकिन स्किन को ऑयली और ग्रीसी नहीं बनाती, तो ये बहुत अच्छी है उन लोगों के लिए जिनकी ऑयली स्किन है, डिहाइड्रेटेड स्किन है, या फिर ओवरऑल ड्राई स्किन भी है। दिस इज समथिंग फॉर ऑल स्किन टाइप। अब दिस सनस्क्रीन इज माई फेवरेट टिंटेड सनस्क्रीन टिल नाउ। मैंने महंगी महंगी सनस्क्रीन जो मैं आगे दिखाने वाली हूँ बायोडर्मा की, वो भी यूज करी है, लेकिन टिंटेड कैटेगरी में मेरी यही फेवरेट है। अगेन लव 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 दिस, दिस इज द क्योर्स एसपीएफ 50 यूवीए यूवीबी प्रोटेक्शन टिंटेड मैटिफाइंग सनस्क्रीन। दिस इज द ओनली मैटिफाइंग सनस्क्रीन जो एक्चुअल में मैट करती है आपकी स्किन को, मतलब ऐसे झूठे वाले क्लेम नहीं है कि हल्की फुल्की मैट करेगी और ऐसे हल्का फुल्का ऑयल प्रोडक्शन भी होगा, लिटरली इसको लगा लिया और आपकी स्किन एकदम मैट है। सो अगर आपकी बहुत ऑयल प्रोडक्शन होता है, लाइक आप ऑफिस जाते हो, कहीं काम पे जाते हो, एक्सेसिवली आपकी स्किन ऐसे ग्रीसी रहती है, हर 2 घंटे में ऐसी स्किन ऑयली हो जाती है, ट्राई दिस वन, यू विल लव इट। ये बहुत अच्छे से आपकी स्किन को मैटिफाई कर देती है, एंड इसका टिंट बहुत प्यारा है, ये ऑलमोस्ट हर एक इंडियन स्किन टोन को सूट करने वाला है, बिकॉज इट हैज दिस ऑरेंजेस टिंट, कैन यू सी, इसका बहुत अच्छा ऑरेंज टिंट है। सो अगर आपके जो भी लाइट एक्ने मार्क्स एंड ऑल है ना, वो भी इससे बहुत अच्छे से कवर हो जाते हैं। सिंस इसका ऑरेंजेस कलर है ना, तो ये बिल्कुल भी व्हाइट कास्ट भी
देती, कोई ऐसे व्हाइट व्हाइट भूतों वाली फीलिंग नहीं आती इसको लगा के। लिटरली मैट में ऐसे स्वाइप भी नहीं कर पा रही, मुझे एकदम सूखी सूखी मैट वाली सेंसेशन आ रही है इसको लगाते ही। सो अगर आपकी बहुत ऑयली स्किन है, गर्ल बाय दिस वन, यू विल लव इट। एंड दिस इज फ्री ऑफ ऑक्सीबेंजोन एंड ओएमसी, तो इसमें वो वाले केमिकल फिल्टर भी नहीं है, तो आप इसको सेफली एवरीडे बेसिस पे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट अप वी हैव बायोडर्मा सनस्क्रीन्स। पता नहीं कितनी ट्यूब्स मैं इसकी फिनिश कर चुकी हूँ, बिकॉज मेरी डर्मेट ने रिकमेंड करी थी, तो शादी से पहले एक दो महीने पहले मैं लिटरली यही वाली सनस्क्रीन यूज कर रही थी, मैं ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती थी। तो ये मेरे पास बहुत सारी हैं, काफी सारी तो मैंने डिस्कार्ड भी कर दी बिकॉज मैं अपनी एमटीज में भी उनको दिखा चुकी थी। सो ये रेंज आती है इनकी, फोटोडर्म एक्वाफ्लूइड एंड क्रेम, सो ये दो रेंज आती है। ये न्यू ट्यूब है बाय द वे, सो दीज आर द टू रेंज। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्वाफ्लूइड मतलब ये थोड़ी पतली है, ये ऑयली स्किन के लिए अच्छी है, एंड क्रेम इज स्लाइटली थिकर एंड दिस इज गुड फॉर ड्राई स्किन। तो अगर आप कंफ्यूज हो कि मुझे कौन सी लेनी चाहिए, अगर आपकी ऑयली स्किन है आप एक्वाफ्लूइड ले सकते हो। अगेन इसके अंदर भी दो कैटेगरी आती है, टिंटेड एंड नॉन टिंटेड। मेरे पास एक्वाफ्लूइड में ये टिंटेड वाली है, इसके अंदर है एसपीएफ 50 विद बी यूवीए यूवीबी प्रोटेक्शन, पीए 4 टाइम्स प्लस, इसमें आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, एंड दिस इज ग्रेट फॉर सेंसिटिव स्किन। तो मैं जब भी कोई स्किन ट्रीटमेंट कराती थी ना, मैं 2 या 3 दिन तक कोई मेकअप नहीं यूज कर सकती थी, तो मैं खाली ये टिंटेड सनस्क्रीन लगा के कहीं जाती थी। आपने मेरी काफी वीडियोज में ये देखी होगी, मैक्सिमम मैं जो गेट रेडी विद मी वीडियोज बनाती थी ना, मैं यही सनस्क्रीन लगाती थी। सो यू कैन सी ये टिंटेड कुछ इस तरह से दिखती है, बहुत पतली है, लाइक एक्वा फ्लूइड इसका नाम है, लिटरली ऐसे पतली फ्लूइड जैसी सनस्क्रीन है, बिल्कुल भी हैवी ग्रीसी फील नहीं होती, वेरी नाइस फॉर ऑयली स्किन, दिस इज टॉलरेंट फॉर आईज एज वेल। बहुत लोग होते हैं ना जिनको सनस्क्रीन लगाते हैं ऐसे आंखों में से आंसू आते हैं, जलन फील होती है, तो ये जो बायोडर्मा की सनस्क्रीन है ना, ये परफेक्ट आपके लिए, बिकॉज ये आपकी आईज को बिल्कुल भी बर्न नहीं करेंगी। एंड अगर आप कोई भी तरह का ट्रीटमेंट कराते हो या फिर आपकी एक्सट्रीमली एक्ने प्रोन स्किन है, आपको कोई और सनस्क्रीन नहीं सूट करती, ट्राई दिस वन। सो ये तो दोनों है टिंटेड में एक्वा फ्लूइड, मेरे पास एक नॉन टिंटेड में है इनकी क्रेम। सो ये जो फोटोडर्म क्रेम है ना, दिस इज फॉर ड्राई स्किन, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो क्रेम, उसके ऊपर लिखा हुआ था एक्वा फ्लूइड, दिस इज फॉर ड्राई स्किन, तो ये सेंसिटिव ड्राई स्किन के लिए है। सो आपकी बहुत सूखी स्किन है या फिर आप कोई एक्ने ट्रीटमेंट ले रहे हो, आपकी स्किन से पील्स निकल रहे हैं, बिकॉज काफी बार जब हम कोई एक्ने ट्रीटमेंट या कोई सैल्सिलिक एसिड एंड ऑल का पील कराते हैं ना, हमारी स्किन बहुत सूख जाती है, तो उस केस में आप ऐसी सनस्क्रीन यूज कर सकते हो जो नरिशमेंट भी दे। ये रिसेंटली मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी रिव्यू करी, आप अभी मेरी रिसेंट रील भी जाके चेक कर सकते हो। आई लव देयर नोजल, इनके एकदम पतले नोजल होते हैं तो आप इजिली लगा सकते हो, बट दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, बहुत अच्छे से नरिशमेंट देती है, लाइक दिस इज हैवी ऑन नरिशमेंट। तो जिनकी बहुत ज्यादा सूखी स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, देन फॉर यू दिस इज जस्ट परफेक्ट। एंड एट लास्ट वी हैव एसपीएफ 70। यस, मुझे भी नहीं पता था कि मेरे पास एसपीएफ 70 रखी हुई है, ये तो मैं रैंडमली काफी बार यूज कर लेती थी। ये है लोटस की डेली फंक्शन सनस्क्रीन, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। मैंने अपने पूरे स्कूल टाइम में, मतलब बचपन से तो नहीं, बट 9th-10th में आते थे, थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस हो गई थी कि सनस्क्रीन लगानी चाहिए, हम ग्राउंड में खेलते हैं, धूप में जाते हैं, तो आई रिमेंबर मैंने 11th से सनस्क्रीन लगानी शुरू कर दी थी, और 11th-12th में जो सनस्क्रीन लगाती थी वो लोटस की थी, बिकॉज उस टाइम लोटस की सनस्क्रीन सबसे पॉपुलर थी। एंड उसके बाद से गैप आ गया, मैंने ज्यादा यूज नहीं करी। रिसेंटली मुझे नायका के पीआर बॉक्स मिली थी, सो मैंने दोबारा इसको यूज करना शुरू कर दिया। यह एसपीएफ 70 विद पीए ट्रिपल प्लस, तो ये बीचेस के लिए अच्छी है, फिर आप कहीं घूमने जा रहे हो, आप बहुत ज्यादा धूप में रहने वाले हो, तो एसपीएफ 70 इज गुड। अदरवाइज मैं डेली बेसिस पर तो एसपीएफ 70 नहीं रिकमेंड करूंगी, इतनी नीड नहीं है, 50 तक इज फाइन इनफ, लेकिन 70 की इतनी नीड नहीं होती। हाई यूवी एंड यूवीबी प्रोटेक्शन है, लाइट वेट है, नॉन ग्रीसी, प्रिजर्वेटिव फ्री है, एंड दिस इज अगेन टिंटेड, इसका एकदम फाउंडेशन जैसा टिंट है, लिटरली ऐसी लगती है आप कोई बीबी क्रीम लगा रहे हो, देख रहे हो इसका टिंट, ऐसा नहीं लग रहा कोई फाउंडेशन है बिल्कुल। काफी अच्छे स्किन में ब्लेंड हो जाती है, द ओनली थिंग इज इट समटाइम्स स्टिंक्स, इसमें एक लेमनी फ्रेग्रेंस है, मतलब ऐसा लगता है इसके अंदर कोई लेमन वाला कुछ डाला हुआ है। आपकी सेंसिटिव स्किन है, मैं ही रिकमेंड नहीं करूंगी, लेकिन अगर आपकी नॉर्मल स्किन है, हल्की फुल्की ड्राई टू डिहाइड्रेटेड स्किन है, तो काफी अच्छी है, बिकॉज ये नरिशिंग है। एंड विद दिस माई सनस्क्रीन इंसाइक्लोपीडिया इज ओवर। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके लिंक्स डाल दूंगी, किसी का डिस्काउंट कोड होगा तो मैं वो डिस्काउंट कोड भी डाल दूंगी। एंड इसके अलावा अगर आपको फिर भी डाउट है कोई और सनस्क्रीन के बारे में, आप पूछना चाहते हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड जो भी लोग कमेंट पढ़ेंगे, अगर आपने वो पर्टिकुलर सनस्क्रीन ट्राई करी है, प्लीज हेल्प मी, उनको रिस्पॉन्ड करो, अपना रिव्यू शेयर करो, बिकॉज मैं कोशिश कर रही हूँ मैं जितनी ट्राई कर सकती हूँ आपको रिव्यू दे दूँ, बट पॉसिबल नहीं है कि मैं सब कुछ ट्राई कर लूँ। सो प्लीज कमेंट सेक्शन को अगर नहीं भी कमेंट करना, तो अगर किसी ने कुछ पूछा है, अगर आपने वो ट्राई किया, प्लीज उनको रिप्लाई करो, उनको हेल्प करो। एंड जैसा कि मैंने कहा, सबको नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी बेस्ट एंड वर्स्ट सनस्क्रीन बतानी है, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ताकि वर्स्ट से लोगों के पैसे बच जाएं और बेस्ट से थोड़ा एक अच्छी रिकमेंडेशन भी मिल जाए। दैट इज फॉर टुडेज़ वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।